देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पांच सदियों से चले आ रहे लंबे विवाद के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि 492 साल पुराने भारत के इतिहास के इस सबसे लंबे विवाद की शुरुआत कैसे हुई और अब तक क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई। कहा जाता है कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर ने मंदिर तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, तभी से इस पर विवाद चला आ रहा है। लेकिन आजादी के बाद से मंदिर मस्जिद का ये विवाद देश की राजनीति में अहम मुद्दा बना रहा। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बने, आरोपी तय हुए, फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस विवाद को खत्म करते हुए साल 2019 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहते हैं कि सन 1528 से लेकर 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अयोध्या में एक ऐसी जगह पर ये मस्जिद बनवाई गई थी जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर 1526 में भारत आया था, 1528 तक उसका साम्राज्य अवध यानी अयोध्या तक पहुँच गया था। इसके बाद करीब 3 सदियों की जानकारी इतिहास में दर्ज नहीं है। 1853 में पहली बार अयोध्या में दंगे हुए थे। कहते हैं कि अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान हिंसा की पहली घटना 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़े ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वहाँ एक मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर के शासन काल में तोड़ दिया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अयोध्या में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गैजेट 1905 के अनुसार 1555 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे। साल 1859 में आजादी के पहले आंदोलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने विवादित परिसर को बांट दिया था। फिर माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया था, ब्रिटिश हुकूमत ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी थी। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी गई थी। सन 1885 में पहली बार यह विवादित मामला जिला अदालत में पहुंचा। मंदिर मस्जिद विवाद कुछ सालों में इतना गंभीर और भयावह हो गया था कि मामला पहली बार अदालत तक पहुँच गया। हिंदू महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी, हालांकि अदालत ने अपील ठुकरा दी थी। इसके बाद से मामला और ज्यादा गहराता चला गया। सन 1934 में हुए सांप्रदायिक दंगों में बाबरी मस्जिद की दीवार और गुंबद टूट गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। 1949 में हिंदुओं ने कथित तौर पर बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति स्थापित की थी। मुसलमानों ने इसका विरोध किया और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया। फिर दोनों पक्ष के लोगों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित करके इस पे ताला लगा दिया था। साल 1950 में अदालत से भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी गई थी। गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में अपील दायर करके भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी थी। महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद में पूजा जारी रखने के लिए याचिका लगाई थी। इसी दौरान मस्जिद को ढांचा के तौर पर संबोधित किया गया था। सन 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित ढांचे पर दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, तो मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक जताते हुए मुकदमा कर दिया। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और वहाँ राम मंदिर बनवाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी दौरान गोरखपुर को गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ के नाम से जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उसी पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थान को मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। फरवरी 1986 में फैजाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए विवादित ढांचे के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। जून 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया। VHP नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूरी पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 25 सितम्बर 1990 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से
उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली ताकि हिंदुओं को इस मुद्दे से अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क उठे। देश में जगह जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने अडवाणी की रथ यात्रा रुकवा कर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। इस दौरान मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गईं। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। जून 1991 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार हार गई और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 30 से लेकर 31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा हुई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दाखिल किया। ये विवाद में ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। वहां अस्थाई राम मंदिर बना दिया गया। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हो गए। तकरीबन 2000 लोग इस दंगे में मारे गए। 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद के ढहने के मामले को लेकर लिब्रहन आयोग बनाया गया। जज MS लिब्रहन के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। 1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर केस चलना शुरू हुआ। सितंबर 1997 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नाम भी शामिल रहे। साल 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। VHP ने कहा कि मार्च 2002 तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 2002 में अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हो गए। फरवरी में अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे उसमें गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई, जिसमें 58 कार्यकर्ता और अन्य लोग मारे गए। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन करने की इजाजत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। 15 मार्च 2002 को विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि VHP के नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंगल के नेतृत्व में तकरीबन 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को अखाड़े में शिलाएं सौंपी। अप्रैल 2002 में हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के विवादित ढांचे पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। मार्च से लेकर अगस्त 2003 में हाई कोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने अयोध्या में खुदाई शुरू की। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेष होने के सबूत मिले हैं। हालांकि इसे लेकर भी विशेषज्ञों की अलग अलग राय थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित ढांचे पर पूजा पाठ की इजाजत देने का अनुरोध किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। मई 2003 में CBI ने 2092 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जून 2003 में कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामला सुलझाने के लिए मीडिएशन किया।
उन्होंने उम्मीद जताई कि एक महीने में इस मामले का हल निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगस्त 2003 में भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने विश्व हिंदू परिषद के इस अनुरोध को ठुकरा दिया था कि राम मंदिर बनाने के लिए संसद में विशेष विधेयक लाया जाए। 2004 में आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आडवाणी को तलब किया। इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। 28 जुलाई को आडवाणी इसी मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। जुलाई 2005 में अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले हुए, जिसमें 5 आतंकियों समेत 6 लोग मारे गए। 4 अगस्त 2005 को फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 20 अप्रैल 2006 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्रहन आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इसमें भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। जुलाई 2006 में सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का मुसलमानों ने विरोध किया और कहा कि ये अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। मार्च 2007 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य उस वक्त प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद ना गिरी होती। उनके इस बयान पे पूरे देश की राजनीति में उबाल आ गया था। सन 2009 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्रहन आयोग ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। इसी साल 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 जरूरी फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। 24 नवंबर को लिब्रहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। इस रिपोर्ट में आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी। 20 मई 2010 को बाबरी विध्वंस के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर रिव्यू पिटीशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। 9 मई सन 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दाखिल हुई थी। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 16 नवंबर 2017 को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की। उन्होंने कई पक्षों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 8 फरवरी तक सभी दस्तावेजों को पूरा करने को कहा। 8 फरवरी 2018 को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर नियमित सुनवाई करने की अपील की, लेकिन पीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी। राजीव धवन ने कोर्ट से मांग की कि साल 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम भारतीय संघ के फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन की इस अपील पर फैसला सुरक्षित रखा। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई पर इनकार करते हुए ये केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया था। 24 नवंबर 2018 को अयोध्या में शिवसेना ने कार्यक्रम किया।
इस सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना कुंभकर्ण से करते हुए कहा कि मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ, आज तो मैं से सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने के लिए आया हूँ। कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, आज के कुंभकर्ण पिछले 4 सालों से सोए हुए हैं। मैं उनको जगाने आया हूँ, जो वादा करते हैं, जो वचन देते हैं उसे निभाना चाहिए। चलो सब लोग मिलकर मंदिर बनाते हैं। 25 नवंबर 2018 को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में धर्म सभा हुई। धर्म सभा में हिंदू संत राम भद्राचार्य ने कहा कि बहुत जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि अब करो या मरो का वक्त आ चुका है। देश का बहुसंख्यक समाज अब इस मामले का हल होते हुए देखना चाहता है। 1 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश पर फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है। राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के बारे में पीएम ने कहा था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने ये भी कहा था कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, इसके बाद जो कुछ भी सरकार की जिम्मेदारी होगी उसे पूरा जरूर किया जाएगा। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश करी। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में नाकाम रहा। 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े विवाद को खत्म करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन पर मालिकाना हक राम लला को दे दिया। साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि 3 महीने के अंदर राम मंदिर को लेकर एक ट्रस्ट बनाई जाए। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी मिली और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।